फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अगले सीज़न के लिए आप अपने मनी प्लांट को कोहरे से कैसे बचा सकते हैं। मनी प्लांट की पत्तियां जो हैं वो पीली क्यों होने लगती हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपने मनी प्लांट को कोहरे और ओस से बचाने के लिए इस तरह से आप छज्जे के नीचे भी रख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो मनी प्लांट है छज्जे के नीचे रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कितना हेल्दी हमारा मनी प्लांट है। एक भी पत्ती आपको पीली नहीं दिखेगी। और अब आप अपने मनी प्लांट को किसी कपड़े से कवर करके रख सकते हैं, या आप इसको प्लास्टिक सीट के नीचे रख सकते हैं, तो इससे भी आपका जो प्लांट है वो हेल्दी रहेगा, कोहरे की मार से बचा रहेगा। सर्दियों में अपने मनी प्लांट में आप ओवर वाटरिंग ना करें। ओवर वाटरिंग करने से भी पत्तियां जो हैं वो पीली होने लगती हैं। मिट्टी को चेक कर लें, अगर मिट्टी बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुकी है उसके भी दो दिन बाद ही पानी दें, तो इससे आपका जो मनी प्लांट है उसकी पत्तियां जो हैं वो पीली नहीं होंगी। मनी प्लांट को इस समय कोई भी कंपोस्ट ना दें, लिक्विड ड्राई कोई भी कंपोस्ट ना दें, क्योंकि इस समय सर्दियों में मनी प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, यानी कि मनी प्लांट जो होता है वो डोरमेंसी में चला जाता है। तो इस समय आप कोई भी खाद ना दें और ओवर वाटरिंग भी ना करें। इस समय प्लांट की कटाई छटाई भी ना करें और कटिंग भी ग्रो करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो कटिंग्स हैं वो आपकी ग्रो नहीं होंगी, अगर होंगी भी तो काफ़ी समय के बाद होंगी। अपने मनी प्लांट को हेल्दी रखने के लिए अगर हो सके तो इसको आप 1 से 2 घंटे की धूप में ज़रूर रखें। अगर धूप में आप नहीं रख सकते हैं तो आपको अपने मनी प्लांट को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर ब्राइट लाइट आती हो और कोहरे और ओस से आपका मनी प्लांट जो है वो बचा रहे, ऐसी जगह पर आप इसको रखें, तो अगले सीजन के लिए भी आपका जो मनी प्लांट है ये हेल्दी बना रहेगा, सूखेगा नहीं। इस समय अपने प्लांट के ऊपर पानी का स्प्रे ना करें। पानी के स्प्रे से भी आपकी जो प्लांट की पत्तियां हैं वो पीली हो सकती हैं और पत्तियों में और प्लांट में फंगस भी लग सकता है। तो अगर ज़्यादा डस्ट हो गया है आपके प्लांट की पत्तियों पर, तो आप इनको भीगे हुए कपड़े पानी में कपड़े को डिप करके उसको निचोड़ कर आप अपने प्लांट की पत्तियों को साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से आपका प्लांट जो है वो हेल्दी रहेगा, किसी भी तरह का कोई भी फंगस नहीं लगेगा और पत्तियां जो हैं वो भी पीली नहीं होंगी। आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इसी तरह के यूज़फुल वीडियो के साथ। तब के लिए हैप्पी गार्डनिंग।